आज के इस पार्ट में हम देखेंगे लैपटॉप का बेस पैनल। पहले के पार्ट में हमने देखे डिस्प्ले असेंबली, अभी हम देखेंगे बॉटम केस असेंबली। बॉटम केस असेंबली में पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फिट होता है। आप देख रहे हैं जो आपको ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये हो गया आपका डिस्प्ले असेंबली, और नीचे वाला जो ये पोर्शन है ये पोर्शन हो गया आपका बॉटम केस असेंबली। तो अब इस बॉटम केस असेंबली को हम डिसअसेंबल करके देखते हैं क्या इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। देखिए सबसे पहले आपका सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो है आपका कीबोर्ड, और किसी लैपटॉप में हर एक लैपटॉप की अलग अलग डिज़ाइंस होती है, और कुछ लैपटॉप में जो सेंट्रल केस कवर जो होता है वो यहाँ पे लगा हुआ होता है, और कुछ लैपटॉप में जैसे कि ये लैपटॉप में लगा हुआ है तो ये पूरा का पूरा आपको जो पाम रेस्ट असेंबली दिख रहा है ये, और ये सेंट्रल केस कवर के साथ लगा हुआ है, तो ये सेंट्रल केस कवर अलग नहीं है, और कुछ लैपटॉप में ये सेंट्रल केस कवर जो होता है वो अलग लगा हुआ होता है। ठीक है, तो अभी जो आप देख रहे हैं ये हो गया आपका कीबोर्ड, ये आपका कीबोर्ड। ओके, अभी ये इसके नीचे आप देख सकते हैं ये पाम रेस्ट असेंबली स्क्रू से फिट किया हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े से दो तीन कनेक्शंस है। ये है आपका सेंट्रल केस कवर का कनेक्शन, ये है आपका पावर का कनेक्शन, और ये है आपका आपका जो टच पैड है उसका कनेक्शन। तो ये सब कनेक्शन निकाल के आपको ये पाम रेस्ट असेंबली जो पाम रेस्ट कवर जो उसको निकालना है, तो ये निकला पाम रेस्ट कवर। अभी इसके नीचे जो है ये आपका बॉटम केस असेंबली होता है। इसके अंदर देखिए पहले तो होता है ये आपका डीवीडी राइटर, उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये ऑडियो मल्टीमीडिया पोर्ट्स और एक यूएसबी जैक लगा हुआ है, और इसका कनेक्शन एक स्ट्रिप के थ्रू मदरबोर्ड को लगाया गया है। ये है आपका लैपटॉप मदरबोर्ड, और ये जो दिख रहा है आपको ये है आपका सीपीयू कूलिंग फैन, ये दिख रहा है, ये है आपका स्पीकर्स, ये लेफ्ट साइड स्पीकर, ये राइट साइड स्पीकर। और ये जो डिस्प्ले पैनल जो होता है वो डिस्प्ले पैनल हिंजेस के थ्रू, ये दिख रहा है आपको, ये है लैपटॉप के हिंजेस, ये हिंजेस जो है ये हिंजेस स्क्रू के थ्रू फिट किए जाते हैं। तो और नीचे वाला जो पोर्शन है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसे कहा जाता है बॉटम केस कवर, और ये बॉटम केस कवर के साथ यहाँ पे जो नीचे ये जो पोर्शन है ये जो भाग है यहाँ पे आपका बैटरी, नीचे से बैटरी आपका इंसर्ट होता है। तो हमने देखा इसमें क्या क्या चीज़ होती है। पहली बात है, पहला आपका आता है वो कीबोर्ड, उसके बाद आता है पाम रेस्ट कवर, उसके बाद आएगा आपका मदरबोर्ड, उसके बाद आएगा आपका डीवीडी राइटर, या फिर ये कुछ कनेक्शन जैसे ये सर्किट है। ये हर एक लैपटॉप में अलग अलग डिज़ाइन होने की वजह से उसका मल्टीमीडिया पोर्ट अलग भी हो सकता है या फिर मदरबोर्ड के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। और उसके बाद आपका स्पीकर्स, और ये जो हिंजेस आप देख रहे हैं जो डिस्प्ले पैनल आपका लगा हुआ है, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो है बॉटम केस कवर, और बॉटम केस कवर के साथ लगा हुआ है आपका बैटरी। तो ये हो गया आपका बॉटम केस असेंबली। जैसे कि इस पार्ट में आपने देखा बॉटम केस असेंबली में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और यूट्यूब चैनल हिट शॉट फिल्म्स। थैंक यू।